हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी मैकेनिकल में स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का पार्ट टू, और इस पार्ट टू में हम लोग कवर करेंगे अनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस को। फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक हीट ट्रीटमेंट का पार्ट वन का वीडियो नहीं कवर किया है तो प्लीज़ पहले आप लोग जा करके पार्ट वन को देख लो, वहाँ से आप लोग का बहुत सारा बेसिक आइडिया जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का ऑब्जेक्टिव है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनीलिंग, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनीलिंग के बारे में देखेंगे, एक एक अनीलिंग को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, कैसे सारे कर्व आते हैं उनको देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के बारे में, और सबसे एंड में कवर करेंगे नॉर्मलाइजिंग और अनीलिंग में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ में इम्प्रूवमेंट आता है उसके बारे में हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोग ने सीखा था कि जो भी अनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस हम लोग करते हैं वो बेस्ट सूटेड होता है मीडियम कार्बन स्टील के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस बेस्ट सूटेड होता है मीडियम कार्बन स्टील के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अनीलिंग प्रोसेस को डिटेल में। तो देखिए, पार्ट वन वाले वीडियो में हम लोग ने कवर किया था कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में जो हमारे पास स्टील का सैंपल रहेगा उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, या बोलिए एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर तक हीटअप करेंगे, और उस टेम्परेचर पे कुछ देर के लिए उस पर्टिकुलर मेटल को छोड़ देंगे। ठीक है, फिर धीमे धीमे हम लोग डिफरेंट कूलिंग रेट से कूलिंग करना स्टार्ट करेंगे, और कब तक, जब तक हमको डिजायर्ड प्रॉपर्टी मिल नहीं जाती। ठीक है, तो देखिए सेम चीज़ हम लोग करने वाले हैं अनीलिंग में। तो अनीलिंग की डेफिनेशन जान लेते हैं। Annealing is heating of steel to austenite temperature and then cooling slowly in the furnace. तो चलिए अब हम लोग डेफिनेशन को समझ लेते हैं। देखिए, annealing में क्या करते हैं, हम लोग के पास जो स्टील का सैंपल रहेगा उसको हीटअप करते हुए austenite temperature रेंज तक ले जाते हैं। austenite temperature रेंज कैसे और कब मिलता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग ने ऑलरेडी आयरन कार्बन डायग्राम में बहुत अच्छे से सीखी हुई हैं। ठीक है, तो हम लोग जब अपने स्टील के सैंपल को हीटिंग करते हुए ऑस्टेनाइट टेम्परेचर रेंज में ले जाएंगे, उसके बाद धीमे धीमे कूलिंग करते हुए फर्नेस के अंदर रखेंगे उसको। ठीक है, तो हम लोग को जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी है वो मिलने लग जाती है। फर्नेस में क्यों कूल करते हैं, क्योंकि फर्नेस में सबसे स्लोवेस्ट कूलिंग रेट हमें मिलता है। तो देखिए होता क्या है कि जब स्टील के सैंपल को हीटअप करते हुए हम ऑस्टेनाइट रेंज तक ले जाएंगे, तो हम लोग को मालूम है ऑस्टेनाइट 723 डिग्री सेल्सियस के नीचे अनस्टेबल रहता है। ये सारी चीज़ें हम लोग ने ट्रिपल टी कर्व में अच्छे से समझी हुई हैं। तो जैसे ही 723 के नीचे लाते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऑस्टेनाइट का वो चेंज होने लग जाता है, और फाइनली एज अ रिजल्ट जब हम लोग फर्नेस में कूलिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें कोर्स परलाइट मिलता है। ठीक है, कोर्स परलाइट की प्रॉपर्टी हमें पता है, वो काफ़ी सॉफ्ट और डक्टाइल रहता है। तो देखिए, अनीलिंग के केस में आप लोग को सिर्फ इतना सा याद रखना है कि स्टील का जो सैंपल रहेगा उसको पहले हम लोग हीटअप करते हुए ऑस्टेनाइट टेम्परेचर रेंज पर ले जाएंगे, अब उस टेम्परेचर रेंज पे कुछ देर के लिए होल्ड कर देंगे, फिर हम लोग कूलिंग करना स्टार्ट करेंगे विद इन फर्नेस। फर्नेस के अंदर हम लोग कूल करना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग देखेंगे जो हमारा ऑस्टेनाइट था उसका माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज होके अब हमको नया कोर्स पियरलाइट मिलता है। ठीक है, कोर्स परलाइट हमें मिलेगा, और कोर्स परलाइट की जो प्रॉपर्टीज रहती हैं उसमें हमें डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है और सॉफ्टनेस जो है वो हमको मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो देखिए, अनीलिंग प्रोसेस को परफॉर्म करने के बाद हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है। फॉर एग्जांपल, हार्डनेस को ये रिड्यूस कर देगा और मशीनिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, सिमिलरली डक्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है, ग्रेन के साइज़ को रिफाइन कर देता है, साथ ही साथ ये सबसिक्वेंट जितनी और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसको करने के लिए सैंपल को रेडी करेगा, यानी कि जो और दूसरी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस रहती है उसको परफॉर्म करने के पहले कई बार हमको अनीलिंग प्रोसेस परफॉर्म करना जरूरी होता है। तो इसीलिए अनीलिंग प्रोसेस स्टील को प्रिपेयर करता है फॉर सबसिक्वेंट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप लोग को अनीलिंग प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है वो ये कि अनीलिंग प्रोसेस डक्टिलिटी को इनक्रीज करेगा, सॉफ्टनेस को इनक्रीज करेगा, और ये जिस मटेरियल में इंटरनल स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं उनका इंटरनल स्ट्रेस को रिड्यूस करने का बेस्ट
हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ठीक है। यानी कि जो भी इंटरनल स्ट्रेसेस किसी एलिमेंट के अंदर या किसी कंपोनेंट के अंदर डेवलप हुए हैं उनको रिड्यूस करने का ये बेस्ट मीडियम है, बेस्ट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। तो देखिए, जितनी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अनीलिंग के थ्रू इम्प्रूव हो रही है वो डिफरेंट काइंड ऑफ अनीलिंग के अंदर कवर होती है। देखिए फ्रेंड्स, अनीलिंग के अंदर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो रही हैं। एज अ होल जब हम लोग अनीलिंग को देखते हैं तो ये सारी की सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो रही हैं। लेकिन एक्चुअली में अनीलिंग भी डिफरेंट काइंड का होता है, डिफरेंट डिफरेंट वे में हम लोग अनीलिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, और डिफरेंट वे में अनीलिंग प्रोसेस को परफॉर्म करने से हमारी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस मिल पाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनीलिंग प्रोसेस हैं जिनको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए स्लाइड में, अनीलिंग प्रोसेस को 4 डिफरेंट पार्ट्स में सब कैटेगराइज किया गया। पहला पार्ट था फुल अनीलिंग, दूसरा प्रोसेस अनीलिंग, तीसरा स्फेरोडाइज अनीलिंग, चौथा डिफ्यूजन अनीलिंग, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें हम लोग कवर करेंगे बहुत अच्छे से, और इसमें देखेंगे कि डिफरेंट टेम्परेचर रेंज पे हम लोग स्टील के सैंपल को हीटअप करेंगे और वहाँ से हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज इंप्रूव होते हुए मिलेंगी, और लास्ट में हम लोग कवर करेंगे नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस को। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फुल अनीलिंग से, ठीक है। तो देखिए, फुल अनीलिंग प्रोसेस का मेन एम रहता है हार्डनेस को रिड्यूस करना और डक्टिलिटी को इनक्रीज करना। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, हमारे पास जो स्टील का सैंपल रहेगा उसको हम लोग हीटअप करेंगे। बेसिकली हम लोग ने कवर किया हुआ था ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कि स्टील दो पार्ट में सब कैटेगराइज होती है। पहला पार्ट हाइपोयूटेक्टोइड स्टील और दूसरा पार्ट हाइपरयूटेक्टोइड स्टील, डिपेंडिंग अपॉन कंपोजिशन ऑफ कार्बन। तो देखिए, जो हीटिंग प्रोसेस हम लोग परफॉर्म करेंगे वो दोनों टाइप की यूटेक्टोइड स्टील में अलग अलग रहेगा। बात की जाए हाइपोयूटेक्टोइड स्टील की, तो जब प्योर आयरन के अंदर हम लोग कार्बन का परसेंटेज 0.008 से लेकर के 0.8% तक रखते हैं तो हमें हाइपोयूटेक्टोइड स्टील मिलता है। तो हाइपोयूटेक्टोइड स्टील को हम लोग हीटअप करेंगे 50-70 डिग्री सेल्सियस अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। तो हाइपोयूटेक्टोइड स्टील के लिए अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन होती है A3 लाइन। ये A3 लाइन के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी आयरन कार्बन डायग्राम सीरीज में बहुत अच्छे से समझा हुआ है, ठीक है। वहीं बात की जाए हाइपरयूटेक्टोइड स्टील की, तो हाइपरयूटेक्टोइड स्टील को 50-70 डिग्री सेल्सियस अबव हीटिंग करते हैं, लेकिन लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन के ऊपर, ठीक है। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन कौन सी होती है, वो A1 लाइन होती है, यानी वो लाइन जो 723 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग रहेगी उसको हम लोग लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हाइपोयूटेक्टोइड स्टील के लिए हम लोग एबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन से हीटिंग करते हैं, और जो हाइपरयूटेक्टोइड स्टील रहता है उसमें लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन के ऊपर हीटिंग करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको आप लोग मार्क कर लीजिए। तो देखिए, मैंने जो कर्व बनाया हुआ है उसमें जो टॉप में वायलेट कलर की डार्क लाइन है वो लाइन बेसिकली बता रही है इस फुल अनीलिंग का टेम्परेचर रेंज 50-70 डिग्री सेल्सियस एबव A3 लाइन किसके लिए, हाइपोयूटेक्टोइड स्टील के लिए, और 50-70 डिग्री सेल्सियस अबव लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन फॉर हाइपरयूटेक्टोइड स्टील के लिए। आप लोग देख सकते हो मैंने वायलेट कलर के स्केच से बनाई हुई है वो लाइन, ठीक है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ये सारे के सारे जो मैंने नोट्स लिखे हुए हैं उसको आप लोग पैरेलल में नोट डाउन करते चलिए अपनी कॉपी में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जब एग्ज़ाम में कन्वेंशनल आप लोग लिखने जाओगे वहाँ पे इसको डेफिनेटली बनाना, आपका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे एस्पिरेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए, हम लोग ने हीटिंग प्रोसेस को अच्छे से समझ लिया है, अब हम लोग बात करते हैं सोकिंग टाइम या बोलिए होल्डिंग टाइम की। तो होल्डिंग टाइम डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट की थिकनेस पे, यानी कि जो हम लोग ने स्टील का सैंपल लिया है उसकी क्या थिकनेस रहेगी उस पे डिपेंड करेगा होल्डिंग टाइम। नॉर्मली हम लोग अगर बात करें तो पर एमएम के लिए 3-4 मिनट उस फर्नेस के अंदर हमें होल्ड करके रखना पड़ेगा। वहीं बात की जाए कूलिंग की, तो कूलिंग में हम लोग 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस पर आर तक कूलिंग रेट रखते हैं। डिपेंड करेगा आपके ऑब्जेक्ट के अंदर कितना कार्बन का परसेंटेज प्रेजेंट है और ऑब्जेक्ट की थिकनेस कितनी है उस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो बात की जाए फाइनल रिजल्ट की, तो हाइपोयूटेक्टोइड स्टील के लिए हम लोग को मिलता है फेराइट प्लस परलाइट, सिमिलरली हाइपरयूटेक्टोइड स्टील के लिए मिलता है परलाइट प्लस सीमेंटाइट। ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, आयरन कार्बन डायग्राम में हम लोग ने सीखा था कि जब कार्बन का परसेंटेज 0.8 रहेगा और 723 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा तो गामा ऑस्टेनाइट को कूल करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा प्लस Fe3C, और इस अल्फा प्लस Fe3C को हम लोग बोलते थे परलाइट, ठीक है। सिमिलरली जब प्योर आयरन में हमारा कार्बन का परसेंटेज मैक्सिमम यानी कि 6.67 रहता था तो उस समय हमें मिलता था सीमेंटाइट, ठीक है। तो
अब जो ये अल्फा प्लस Fe3C हमें 0.8 पे मिल रहा है और जो मैक्सिमम रेंज है इस स्टील की वो है 2%। तो इन दोनों के बीच में अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो हम लोग को मिलेगा अल्फा प्लस Fe3C और आपका सीमेंटाइट। तो इसीलिए जो इस पर्टिकुलर रीजन में हमें ओवरऑल रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है परलाइट प्लस सीमेंटाइट। सिमिलरली बात की जाए हाइपोयूटेक्टोइड स्टील की तो 723 डिग्री सेल्सियस के नीचे बेसिकली दो रीजन प्रेजेंट है, 0.8% कार्बन पे परलाइट और इसके अलावा जो एक रीजन मिल रहा है वो है अल्फा। तो इन दोनों रीजन के बीच का जो रीजन रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा परलाइट प्लस फेराइट का रीजन। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे अगर आप लोग ने आयरन कार्बन डायग्राम में लीवर रूल वाला वीडियो अच्छे से देखा हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस अनिलिंग के बारे में। तो प्रोसेस अनिलिंग प्रोसेस हम लोग वहां परफॉर्म करेंगे जहां पे कोल्ड वर्किंग इफेक्ट के कारण हमारे मटेरियल के अंदर बहुत ढेर सारा स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा और इसके कारण प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर मटेरियल का करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग को प्रोसेस अनिलिंग प्रोसेस परफॉर्म करनी पड़ती है। प्रोसेस अनिलिंग की बात की जाए तो इसका एप्लीकेशन हम लोग वायर और सीट मेटल इंडस्ट्रीज में करते हैं। क्यों? क्योंकि वायर इंडस्ट्रीज और सीट मेटल इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर चीज़ें परफॉर्म होती हैं कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन से। तो ये चीज़ आप लोग एज एन एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जब मैं IIT दिल्ली का इंटरव्यू देने गया था तो मुझसे यही चीज़ पूछी गई थी। तो आप लोग ये चीज़ें याद रखोगे तो आपको भी इंटरव्यू में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रोसेस अनिलिंग में हीटिंग प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे जो सैंपल रहेगा उसको हम लोग हीट करेंगे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन के बिलो। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन यानी कि A1 लाइन, यानी कि 723 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग लाइन जो रहेगी उसके नीचे हम लोग हीटिंग करेंगे। और वो हीटिंग का टेम्परेचर कितना रहेगा वो डिपेंड करेगा आपका कार्बन का परसेंटेज कितना है, यानी कि आपके कंपोनेंट में या बोलिए आपके स्टील के सैंपल में कितना कार्बन का परसेंटेज प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा कि हीटिंग प्रोसेस हम लोग किस टेम्परेचर पे करें बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। ठीक है, तो देखिए प्रोसेस अनिलिंग को हम लोग दोनों टाइप के स्टील में यूज कर सकते हैं, चाहे वो हाइपोयूटेक्टोइड स्टील हो चाहे फिर वो हाइपरयूटेक्टोइड स्टील हो, लेकिन प्रोसेस अनिलिंग बेस्ट सूट करता है लो कार्बन स्टील के लिए। देखिए मैंने बगल में राइट हैंड साइड में डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें जो आयरन कार्बन डायग्राम है उसमें नीचे साइड आप देखिए जो मैंने वायलेट कलर से लाइनें ड्रॉ की हैं, तो एक पर्टिकुलर एरिया में यानी कि 0.8% से पहले तक जितना मैंने डबल लाइंस के बीच का एरिया है उसको फिलअप किया हुआ है। वो बेसिकली आपको यही बता रहा है कि बेस्ट सूट करेगा ये लो कार्बन स्टील के लिए, और ये पर्टिकुलर रीजन आ रहा है किसमें, हाइपोयूटेक्टोइड स्टील के रीजन में। ये यूज होगा दोनों में, यानी कि हाइपो और हाइपरयूटेक्टोइड स्टील दोनों टाइप के प्रोसेस में इसको आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर बेस्ट सूट की बात की जाए तो ये लो कार्बन स्टील के लिए बेस्ट सूट करेगा। हो सकता हो आप में से कुछ लोग को अब डाउट होने लगा हो कि आपने तो बोला था अनिलिंग प्रोसेस बेस्ट सूट करता है मीडियम कार्बन स्टील के लिए, लेकिन यहाँ आप बोल रहे हो कि ये बेस्ट सूट करेगा लो कार्बन स्टील के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि अनिलिंग प्रोसेस किस टाइप के मटेरियल के लिए बेस्ट सूट करेगा तो वहाँ आपका आंसर होना चाहिए मीडियम कार्बन स्टील। लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलरली प्रोसेस अनिलिंग की बात की जाए तो आप बोलिएगा कि ये बेस्ट सूट करेगा लो कार्बन स्टील के लिए। ठीक, तो इसीलिए आप लोग ये सारे के सारे कर्व बहुत अच्छे से बना के रखो और एक दो बार इसको रिवाइज कर लेना, कभी भी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो बात की जाए कोल्ड वर्किंग प्रोसेस की, तो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के दौरान किसी कंपोनेंट के अंदर जो ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं वो एलोंगेट हो जाते हैं। अब एलोंगेट होंगे या बोलिए वो डिफॉर्म हो जाएंगे अपनी शेप से, तो इससे होगा क्या कि वो ग्रेन्स स्ट्रेन कंडीशन में रहने लग जाते हैं। अब स्ट्रेन उस कंपोनेंट के अंदर प्रेजेंट रहेगा जिसके कारण स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। अब अगर कोई कंपोनेंट स्ट्रेस कंडीशन में रहेगा तो जो उस कंपोनेंट की एक्चुअल लाइफ हो सकती थी वो उस लाइफ को अटेन नहीं कर पाएगा। अब कोई कंपोनेंट अपनी जो डिजायर्ड लाइफ अटेन कर सकता है वो अगर अटेन नहीं करेगा तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये एक फेलियर है आपका मटेरियल का। आप चाहते हो जो भी कंपोनेंट आपके पास प्रेजेंट है वो अपनी एक्चुअल लाइफ तक जिंदा रह सके, तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर जितना भी स्ट्रेस डेवलप हुआ है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा या बोलिए उस स्ट्रेस को हटाना पड़ेगा। तो स्ट्रेस रिलीविंग का ये बेस्ट प्रोसेस है। ठीक है, तो स्ट्रेस रिलीविंग कैसे करते हैं, देखिए जो भी डिफॉर्म ग्रेन होंगे उनका ये रीओरिएंटेशन कर देता है, प्रोसेस अनिलिंग उन डिफॉर्म ग्रेन का रीओरिएंटेशन कर देता है, कैसे, सारे के सारे इंटरनल स्ट्रेस को हटा करके। चलिए इस प्रोसेस को हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप लोग सबसे नीचे देखिए जहां पे मैंने लिखा है कोल्ड वर्किंग, रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन और ग्रेन ग्रोथ।
तो पूरी प्रोसेस आपकी ऐसे परफॉर्म होने वाली है। सबसे पहले कोल्ड वर्किंग की बात की जाए तो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में जो भी ग्रेन्स रहेंगे वो आपके इलोंगेट हो जाएंगे। अब कोई ग्रेन जो उसका एक्चुअल शेप होना चाहिए उससे अगर इलोंगेट हो जाएगा तो इसमें होगा क्या, डिफॉर्मेशन हो गया। डिफॉर्मेशन से क्या होगा, वो जो पर्टिकुलर ग्रेन्स इलोंगेट हो गया है वो एक स्ट्रेन कंडीशन में आ गया। किसी को आप एक्चुअल शेप से डिस्टॉर्ट करोगे तो क्या होगा, वो एक स्ट्रेन कंडीशन में आ जाएगा। वो चाहेगा कि अपने जो पिछली पोजीशन थी उसको गेन करना, तो इसके कारण स्ट्रेन में रहेगा। अब किसी कंपोनेंट के अंदर अगर सारे के सारे ग्रेन्स जो प्रेजेंट हैं वो स्ट्रेन कंडीशन में रहेंगे तो क्या होगा, एक टाइम के बाद उस कंपोनेंट के अंदर स्ट्रेस डेवलपमेंट हो जाएगा। अब स्ट्रेस डेवलप होगा तो उससे क्या होगा, उससे कंपोनेंट की जो एक्चुअल लाइफ हो सकती थी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग को हमेशा कोल्ड वर्किंग प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद, मोस्टली हम लोग ने देखा होगा रोलिंग प्रोसेस को परफॉर्म करने के बाद हम लोग को हमेशा अनीलिंग प्रोसेस परफॉर्म करना जरूरी होता है, ठीक है। तो अनीलिंग प्रोसेस बेसिकली तीन स्टेप में होता है। सबसे पहले हम लोग परफॉर्म करते हैं रिकवरी, फिर रिक्रिस्टलाइजेशन, फिर ग्रेन ग्रोथ। तो रिकवरी की बात की जाए तो आप लोग देखिए कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के बगल में मैंने रिकवरी का बनाया हुआ है। तो रिकवरी में क्या हो रहा है कि जितने रेजिडुअल स्ट्रेस थे उसको धीमे धीमे हम लोग हटाना चालू कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हीटिंग। तो जैसे जैसे हीटअप करेंगे तो देखिए एक छोटे छोटे से ग्रेन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो रहा है। अब जैसे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे पहुंचेगा तो वो ग्रेन की फॉर्मेशन बनना स्टार्ट कर देगा, यानी ग्रेन्स आप लोग देख पा रहे होंगे वो अब बन चुके हैं, ठीक है। तो देखिए रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में हमारे पास नए ग्रेन डेवलप होंगे और वो ग्रेन काफ़ी फाइन रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे और इक्वी एक्स्ट रहेंगे। इक्वी एक्स्ट का मतलब ये है अगर आप लोग उस ग्रेन को डिवाइड करो एक्सिस में तो हर जगह इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे ग्रेन डेवलप होंगे, ठीक है। तो देखिए रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से फाइन स्ट्रेस फ्री इक्वी एक्स्ट ग्रेन डेवलप हुए। अब जो तीसरी प्रोसेस थी अनीलिंग के अंदर वो थी ग्रेन ग्रोथ। ग्रेन ग्रोथ में होता क्या है, जो ये फाइन ग्रेन है वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोर्स ग्रेन में, जिससे कंपोनेंट के अंदर डक्टिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो इम्प्रूव हो जाती है, फिर मशीनेबिलिटी की बात की जाए तो वो भी इम्प्रूव हो जाती है और उस कंपोनेंट के अंदर जो हार्डनेस आ रही थी वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्विएक्स्ट स्ट्रेस फ्री कोर्स ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो अनीलिंग प्रोसेस है इनके ये तीनों सीक्वेंस, रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन, ग्रेन ग्रोथ, इसको आप लोग याद कर लो क्योंकि ये ऑलरेडी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस चीज़ को आप लोग अभी फिलहाल शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन करके चलो, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं स्पेरोडाइज अनीलिंग की। तो स्पेरोडाइज अनीलिंग प्रोसेस की ज़रूरत हमें पड़ी कब, क्या होता था कि जो भी कार्बाइड हम लोग जानते हैं यानी कि जो Fe3C होता है सीमेंटाइट, उसके अंदर क्या होता है, कार्बाइड प्रेजेंट रहता है। कार्बाइड किस फॉर्म में रहेगा, कार्बाइड प्रेजेंट रहता है नीडल के फॉर्म में, या बोलिए थोड़ी प्लेट्स की फॉर्म में रहेगा, पतली पतली प्लेट्स की फॉर्म में, जिसको हम लोग नीडल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्म रहती है वो काफ़ी हार्ड रहती है और ये इतने हार्ड थे कि इनको मशीनिंग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था हमारे लिए। तो इसीलिए हम लोग को एक नए प्रोसेस की तरफ स्विच करना पड़ा जिसका नाम था स्पेरोडाइज अनीलिंग। स्पेरोडाइज अनीलिंग करता क्या था, जो कार्बाइड नीडल या बोलिए एक प्लेट, पतली पतली प्लेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता था उसको कन्वर्ट कर देता था छोटे छोटे स्फेयर्स के फॉर्म में या बोलिए छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में। तो जब कार्बाइड नीडल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है तो वो बहुत हार्ड रहता है, लेकिन जब कार्बाइड ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा या छोटे छोटे स्फेयर के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा तो वो थोड़ा सॉफ्ट बन जाता है। तो इसके कारण एक नई प्रॉपर्टी इम्पार्ट हो जाती है, वो होती है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के इम्पार्ट हो जाने के बाद हम लोग इस टाइप का जो हार्ड मटेरियल हमारे पास प्रेजेंट था उसकी भी हम लोग मशीनिंग कर पाते थे। तो फ्रेंड्स बेसिकली इस पर्टिकुलर टाइप की जो हार्डनेस थी वो हम लोग को हाई कार्बन स्टील में मिलती थी। तो हमेशा याद रखिएगा स्पेरोडाइज अनीलिंग बेस्ट सूट करेगा किसके लिए, वो बेस्ट सूट करेगा हाई कार्बन स्टील के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि अनीलिंग प्रोसेस किस मटेरियल के लिए बेस्ट सूट करता है, वहाँ आपका आंसर होगा मीडियम कार्बन स्टील। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्पेरोडाइज अनीलिंग किस प्रोसेस के लिए बेस्ट सूट करता है तो वहाँ आपका आंसर होगा हाई कार्बन स्टील, ठीक है। आप लोग देख लीजिए मैंने जो डायग्राम बनाया हुआ है आयरन कार्बन का राइट हैंड साइड में, तो जो वायलेट कलर का स्केच है वो बेसिकली किधर साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बेसिकली हाइपर यूटेक्टोइड स्टील रीजन में रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे हम लोग को मिलता है हाई कार्बन स्टील। तो अब बात करते हैं स्पेरोडाइज अनीलिंग में हीटिंग प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे हीटिंग हम लोग करते हैं 720 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 770 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हम लोग लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जो लाइन है यानी कि 723 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग जो लाइन है
उसके ऑलमोस्ट 20-30 डिग्री ऊपर और उतना ही 20 डिग्री के अराउंड नीचे हम लोग करते हैं इसकी हीटिंग, ठीक है। तो ये रेंज आप लोग हमेशा याद रखो कि 720 से 770 डिग्री सेल्सियस एबव एंड बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन यहाँ पे हीटिंग प्रोसेस परफॉर्म की जाती है एज पर द नीड ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट के अंदर जितना कार्बन का परसेंटेज प्रेजेंट है, जितना वो कंपोनेंट थिक रहेगा, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे हीटिंग प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। तो हीटिंग के बाद बात की जाए कूलिंग रेट की, तो यहाँ स्फेरोडाइज एनीलिंग में कूलिंग रेट रहता है हमारा 25-30 डिग्री सेल्सियस पर आर। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ आपको याद करने की जरूरत नहीं है कूलिंग रेट कितना रहता है, बेसिकली ये आपको एक छोटा सा आइडिया रहना चाहिए। अगर आप लोग कन्वेंशनल में लिखने जा रहे हो आंसर को, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी चीज़ें कभी एग्जाम में पूछी नहीं जाती हैं। तो बेटर रहेगा आप लोग हीटिंग रेंज को याद रखिए, और हीटिंग रेंज भी अगर आप नहीं याद कर पा रहे तो आप लोग जो मैंने कर्व बताए हैं वो सारे कर्व आपके टिप पे होने चाहिए, आप लोग को ये सारे के सारे कर्व याद होने चाहिए, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि स्फेरोडाइज एनीलिंग बेस्ट सूट करता है हाई कार्बन स्टील के लिए, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि स्फेरोडाइज एनीलिंग बेस्ट सूट करेगा हाई कार्बन स्टील के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दूसरी टाइप के स्टील प्रोसेस पे परफॉर्म नहीं हो सकता। ये परफॉर्म जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आपको इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है तो उसके लिए आप लोग हाई कार्बन स्टील पे इस प्रोसेस को परफॉर्म करो, ठीक है। आई थिंक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए, इस स्लाइड में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफ्यूजन एनीलिंग प्रोसेस के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि इस प्रोसेस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो डिफ्यूजन एनीलिंग प्रोसेस आपका अलॉय स्टील का जब आपने इनगॉट यूज किया, या फिर जब आप लोग हैवी कास्टिंग्स बना रहे थे, वहाँ पे आप लोग देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा इम्परफेक्शंस उन कास्टिंग्स में प्रेजेंट थे। इससे हो क्या रहा था कि उस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी, जो स्ट्रक्चर थे, वो काफ़ी ज़्यादा इनहोमोजीनियस थे, ठीक है, और जो केमिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म नहीं थी, या बोलिए होमोजीनियस नहीं थी। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर होमोजेनिटी लाने के लिए, हम लोग ने एक नई प्रोसेस की तरफ स्विच करना पड़ा, और उस प्रोसेस का नाम था डिफ्यूजन एनीलिंग, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि डिफ्यूजन एनीलिंग की जरूरत पड़ी क्यों, क्योंकि कंपोनेंट के अंदर जो हैवी कास्टिंग्स थी, जो अलॉय स्टील के इनगॉट्स थे, उनके अंदर इनहोमोजेनिटी आ गई थी। इनको दूर करने के लिए, सारी चीज़ों को होमोजीनियस बनाने के लिए, हम लोग को एक नए प्रोसेस की तरह स्विच करना पड़ा, जिसका नाम था डिफ्यूजन एनीलिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पर्टिकुलर डिफ्यूजन प्रोसेस की बात की जाए, तो हम लोग ने देखा जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है। हाई टेम्परेचर पे हो क्या रहा था, जो आपका गामा ऑस्टेनाइट था वो Fe3C के साथ डिफ्यूज होने लग जा रहा था बहुत हाई टेम्परेचर पे। तो हम लोग ने इसी प्रॉपर्टीज का एडवांटेज उठाया और अपने स्टील के सैंपल को हीटअप किया अराउंड 1000 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में। लेकिन हम लोग ने देखा जो बेस्ट डिफ्यूजन एनीलिंग प्रोसेस परफॉर्म हो रही थी वो 1150 डिग्री सेल्सियस पे मिल रही थी, ठीक है। हम लोग टेम्परेचर रेंज 1000 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग ने देखा कि 1150 डिग्री सेल्सियस पे बेस्ट हीटिंग प्रोसेस परफॉर्म हो रही थी, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही हम लोग इस टेम्परेचर पे पहुंचे, वहां पे हम लोग को होल्ड करना था, तो होल्डिंग टाइम यहां पे हम लोग दूसरे एनीलिंग प्रोसेस के कंपैरिजन में थोड़ा कम रखते हैं, ठीक है। बस आप लोग को इतनी छोटी सी चीज़ याद रखनी है इस प्रोसेस के बारे में, बाकी कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, राइट हैंड साइड में मैंने आयरन कार्बन डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें जो ब्लू कलर की स्केच से लाइन बनाई हुई है वो डिफ्यूजन एनीलिंग प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। आप लोग हमेशा याद रखना, डिफ्यूजन एनीलिंग प्रोसेस दोनों टाइप के स्टील के लिए, हाइपो और हाइपर, दोनों टाइप के स्टील के लिए हम लोग हमेशा अराउंड 1000 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में हीटिंग करते हैं। बस इसमें आपको इतनी सी चीज़ याद रखनी है। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि डिफ्यूजन एनीलिंग प्रोसेस होमोजीनियस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, किसमें, जो अलॉय स्टील रहते हैं उनमें, और जो हैवी कास्टिंग्स रहती हैं उनमें, और दूसरे एनीलिंग प्रोसेस के कंपेरिजन में यहाँ पे जो होल्डिंग टाइम रहता है वो कम रखा जाता है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए, इस स्लाइड में हम लोग कुछ और चीज़ें अनिलिंग से रिलेटेड समराइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हम लोग अनिलिंग प्रोसेस में फर्नेस कूलिंग को परफॉर्म करते हैं, और फर्नेस कूलिंग काफ़ी स्लो रेट की कूलिंग प्रोसेस है, जिससे क्या होता है कि हम लोग स्फेराइडल कार्बाइड की फॉर्मेशन कर पाते हैं और कोर्स और लामेलर टाइप का परलाइट फॉर्म कर पाते हैं। दोनों टाइप का परलाइट
और जो स्फेराइडल कार्बाइड है, ये दोनों की दोनों चीज़ें बहुत सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। तो अनिलिंग प्रोसेस हमेशा क्या फॉर्म करेगा, हमेशा फेराइट फॉर्म करता है, स्फेराइडल सीमेंटाइट फॉर्म करेगा और कोर्स परलाइट फॉर्म करेगा। ये तीनों की तीनों चीज़ें बहुत सॉफ्ट होती हैं और क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी फेज सबसे सॉफ्ट रहेगी, तो उसका आंसर होगा फेराइट फेज, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी इसरो में आ चुका है, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करके चलो, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो भी यहाँ पे तीन फॉर्म्स हमें मिल रही हैं वो काफ़ी सॉफ्ट रहती हैं, इसीलिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग सॉफ्टनिंग ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिलेटिवली बहुत ज़्यादा कम हार्डनेस मिलती है और डक्टिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव मिलती है, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस यानी अनिलिंग प्रोसेस को हम लोग सॉफ्टनिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में। तो देखिए, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस से रिलेटेड बेसिकली तीन एरिया से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है वो ये कि नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस की कूलिंग किस मीडियम में करते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस की कूलिंग हम लोग एयर में करते हैं, इसीलिए नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस को हम लोग एयर क्विंचिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। दूसरा चीज़ जो क्वेश्चन में आता है वो टेम्परेचर रेंज से रिलेटेड आता है, जिसको हम लोग अभी सीखने वाले हैं। और तीसरा चीज़ इसका कंपेरिजन अनिलिंग प्रोसेस से आता है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसा हो रहा था कि जब हम लोग हैमर कर रहे थे किसी सरफेस को, या बेंड कर रहे थे, या किसी रोलिंग मिल से पास कर रहे थे, तो उस कंपोनेंट के अंदर जो ग्रेन्स प्रेजेंट थे वो लूज होने लग जा रहे थे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डेवलपमेंट हो रहा था। सिमिलरली जैसे हम लोग कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में सारी चीज़ें सीख रहे थे, सेम चीज़ यहाँ भी हो रही थी। तो हम लोग ने एक डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को अपनाया और हम लोग ने यूज किया नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में जो हमें रिजल्ट मिला वो अनिलिंग प्रोसेस से जो रिजल्ट मिल रहा था उससे डिफरेंट था, और रिजल्ट में जो इतना डिफरेंस मिल रहा था उसको चलिए समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो हीटिंग प्रोसेस हम लोग परफॉर्म करेंगे वो बेसिकली दोनों टाइप की स्टील, चाहे वो हाइपोयूटेक्टोइड स्टील हो चाहे वो हाइपरयूटेक्टोइड स्टील हो, दोनों टाइप की स्टील में जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन होती है उसके 40 टू 50 डिग्री सेल्सियस अबव हम लोग हीटिंग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हीटिंग करने के बाद हम लोग कुछ देर उसको होल्ड करके रखेंगे, और होल्ड करने के बाद जब हम लोग कूलिंग करना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग एयर में कूलिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग को मालूम है जब हम लोग एयर में कूलिंग करेंगे तो वहाँ पे कूलिंग रेट जो हमें मिलेगा वो थोड़ा फास्ट रहेगा इन कंपेरिजन विद फर्नेस कूलिंग, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस को परफॉर्म करने के बाद जो हमारा हीटिंग अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन के ऊपर करने से जो ऑस्टेनाइट हमें मिला था उसको जब हमने कूल करना स्टार्ट किया तो हमको मिलता है फाइन परलाइट, जबकि जो अनिलिंग प्रोसेस में हमको परलाइट मिल रहा था वो कोर्स परलाइट मिल रहा था। कोर्स परलाइट के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कोर्स परलाइट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और डक्टाइल होता है। सिमिलरली जो फाइन परलाइट होता है वो कोर्स परलाइट के कंपेरिजन में थोड़ा सा डक्टाइल कम रहता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में टेम्परेचर रेंज हमारा अलग था, फिर उसके बाद हमारा कूलिंग का जो मीडियम था वो डिफरेंट था जिसके कारण कूलिंग रेट हमें मिल रहा था। तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ मिली इन कंपेरिजन विद अनिलिंग प्रोसेस वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड मिली। अगर डक्टिलिटी की बात की जाए तो डक्टिलिटी डिक्रीज हुई, लेकिन टफनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो अनिलिंग प्रोसेस में हमें मिल रहा था उससे कहीं ज़्यादा इस नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में हमें मिला। चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम लोग नॉर्मलाइजिंग और अनिलिंग प्रोसेस में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस मिले उसको स्टडी कर लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम लोग नॉर्मलाइजिंग का कंपेरिजन अनिलिंग से करने वाले हैं। तो पहले पॉइंट में चलते हैं। देखिए, नॉर्मलाइजिंग रिक्वायर्स अ हीटिंग रेंज विच इज अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस अबव दैट ऑफ अनिलिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में 40 डिग्री सेल्सियस अबव हीटिंग रेंज रखते हैं इन कंपेरिजन विद अनिलिंग प्रोसेस। देखिए, यहाँ पे जो हम लोग अनिलिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो एज एन होल कर रहे हैं। जैसे हम लोग ने अनिलिंग के लिए पढ़ा हुआ है कि वो यूज होती है मीडियम कार्बन स्टील के लिए, लेकिन अगर बात की जाए स्फेरोडाइज अनिलिंग की या स्पेसिफिकली किसी अनिलिंग प्रोसेस के अंदर जा रहे हैं तो चीज़ें थोड़ी डिफर हो सकती हैं। सिमिलरली टेम्परेचर रेंज के साथ है, अगर हम लोग एज एन ओवरऑल बात करेंगे कि टेम्परेचर रेंज एज एन ओवरऑल अनिलिंग का नॉर्मलाइजिंग के कंपेरिजन में किया जाए तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस का हीटिंग रेंज अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस अबव रहेगा अनिलिंग प्रोसेस के कंपेरिजन में। तो इसलिए इस चीज़ को इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की
तो देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मिलती हैं वो इम्प्रूव्ड मिलती हैं इन कंपैरिजन विद अनीलिंग प्रोसेस। अनीलिंग में क्या हो रहा था कि आपको बहुत ज़्यादा डक्टिलिटी मिल जा रही थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस मिल जा रही थी। आपको किसी कंपोनेंट में सिर्फ सॉफ्टनेस नहीं चाहिए होता है, आप चाहते हो कि सॉफ्टनेस भी रहे लेकिन कुछ हार्डनेस उसमें रहे। तो इसी के लिए जो नॉर्मलाइजिंग से आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मिल रही थी वो इम्प्रूव्ड थी इन कंपैरिजन विद अनीलिंग प्रोसेस। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो कूलिंग रेट हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में कूलिंग रेट फास्ट रहता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग एयर कूलिंग कर रहे हैं, जबकि अनीलिंग प्रोसेस में हम लोग कूलिंग करते हैं फर्नेस के अंदर, जिसके कारण वहाँ जो कूलिंग रेट मिलता है वो काफ़ी स्लो मिलता है। सिमिलरली अब हम लोग चलते हैं चौथे पॉइंट पे, तो देखिए डक्टिलिटी, फॉर्मेबिलिटी और स्ट्रेस रिलीविंग, ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज हम लोग को ज़्यादा मिलती हैं अनीलिंग में इन कंपेरिजन विथ नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। यानी कि नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में डक्टिलिटी, फॉर्मेबिलिटी और स्ट्रेस रिलीविंग ये उतनी अच्छी नहीं मिल पाएंगी जितनी अच्छी हमको अनीलिंग प्रोसेस में मिलती हैं। बात करते हैं पाँचवें पॉइंट की, तो पाँचवें पॉइंट में हम लोग ने सीखा है कि अनीलिंग प्रोसेस में जो आपका ऑस्टेनाइट रहेगा वो कन्वर्ट होता है कोर्स परलाइट में। कोर्स परलाइट काफ़ी सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल होता है, ठीक है। सिमिलरली नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में जो ऑस्टेनाइट रहता है वो कन्वर्ट होता है फाइन परलाइट में, और फाइन परलाइट थोड़ा कम डक्टाइल रहता है इन कंपेरिजन विद कोर्स परलाइट, ठीक है। अब चलते हैं सिक्स पॉइंट में, तो देखिए स्ट्रेंथ की बात की जाए, टफनेस की बात की जाए, हार्डनेस की बात की जाए, टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात की जाए, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमेशा हाई मिलेंगी नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में इन कंपेरिजन विद अनिलिंग प्रोसेस। वहीं अगर इंटरनल स्ट्रेस की बात की जाए तो इंटरनल स्ट्रेस आपका अनिलिंग प्रोसेस में ज़्यादा रिलीव हो पाता है इन कंपेरिजन विद नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में, तो देखिए ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग एटलीस्ट अपने माइंड में हमेशा रखो, कभी भी कोई भी एग्जाम आप लोग देने जा रहे हो तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए आपको ये डायग्राम आना कंपलसरी है, ठीक है। इनमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम लोग ने कवर कर ली हैं, डिफ्यूजन अनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, फिर फुल अनिलिंग, स्फेरोडाइज अनिलिंग, फिर प्रोसेस अनिलिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग ने कवर कर ली है। यहाँ पे सिर्फ बच रहा है वो है टेम्परिंग प्रोसेस। तो जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे हार्डनिंग प्रोसेस को, फिर टेम्परिंग प्रोसेस को, और टेम्परिंग के जितने भी टाइप्स हैं इनको हम लोग बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने ऑलरेडी सारी टाइप की लाइनों को बहुत अच्छे से आयरन कार्बन डायग्राम में समझा हुआ था। अगर आपको अभी भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ पहले जा करके आप लोग आयरन कार्बन डायग्राम के सारे वीडियोस बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने शॉर्ट नोट्स में इन चीज़ों को अपडेट करते हुए चलिए, ठीक है। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन है, हम लोग दूर करेंगे मुस्कुरा के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।